हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। त्योहार खुशियां लेकर आते हैं, यादें लेकर आते हैं, लेकिन बढ़ते नशे ने इन त्योहारों की खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया है। होली के दिन प्रदेश के कई जगहों पर कई वारदातें हुई, मौतें हुई और लोग घायल तक हुए। वैसे तो होली का यह त्योहार खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस बार की होली कई परिवारों के लिए मातम लेकर आई है। हमारी रिपोर्ट देखिए। होली के उत्साह और पारस्परिक मेलजोल की खबरें उतनी नहीं देखने को मिली जितनी कि दंगों की और झगड़ों की रही। प्रदेश के कई जगह लोग नशा कर हुड़दंग करते दिखे। यहां तक नशे की आदत ने रंगों की होली मौत की होली में तब्दील कर दी। होली के हुड़दंग के चलते पानीपत में शाम 8 बजे तक मारपीट, लड़ाई झगड़े और घायल हुए लोगों के 108 केस आ चुके हैं। अब तक 2 व्यक्तियों को यहां पर मृत घोषित किया जा चुका है, जबकि 1 व्यक्ति को टांग में आर पार गोली लगने की वजह से सामान्य अस्पताल से पीजीआई रेफर किया गया है। होली के दिन सुबह से ही 2 डॉक्टर यहां पर ड्यूटी पर तैनात थे। शाम 4 बजे के बाद एकाएक घायलों को लाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से सामान्य अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। मात्र 2 डॉक्टर सभी मरीजों को इलाज देने में असमर्थ नजर आए। ऐसे में सामान्य अस्पताल में 2 अन्य डॉक्टरों को घर से बुलाकर ड्यूटी पर तैनात किया गया। पानीपत पुलिसकर्मी भी मौके की नजाकत को देखते हुए सामान्य अस्पताल की इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी निभाते दिखे और भीड़ को नियंत्रित भी करते दिखे। पानीपत पुलिस उप कप्तान विजेंद्र सिंह और संदीप सिंह भी सामान्य अस्पताल में ही मौजूद रहे और वो स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए दिखे। अधिकतर केस मारपीट और चोट लगने के हैं। पानीपत हरिनगर में 19 साल के युवक शुभम पुत्र रमेश कुमार की चाकुओं से गोद कर हत्या की गई। उसको छुड़वाने गए विजय पुत्र सुरेश निवासी हरिनगर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सैनी चौक पर शुभम अपने दोस्त विजय के साथ खड़ा था कि सैनी कॉलोनी से 10 से 12 युवक आए और उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर डाबर कॉलोनी में होली के हुड़दंग में गोली चली है। गोली बलराम पुत्र धर्मवीर के घुटने के आर पार निकल गई और गोली लगने से सोमदत्त और सरबल निवासी डाबर कॉलोनी भी घायल बताए जा रहे हैं। घायल बलराम को सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर किया गया। और वहीं ज्योति कॉलोनी विकास नगर बरसत रोड क्षेत्र में एक अप्रवासी व्यक्ति की छत से गिरने की वजह से मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उसने होली खेली और होली के दौरान उसने नशे का कोई पदार्थ खा लिया था। नशे में वो छत पर चला गया और छत से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं एक महिला को भी सामान्य अस्पताल लाया गया। महिला ने सल्फास निगल लिया था और प्राथमिक उपचार के बाद उसे भी रेफर कर दिया गया था। सैनिक कॉलोनी की पुलिया पे 2 बच्चे खड़े थे, पीछे से 4-5 बंदे आए, एक बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है, उसके चक्कू चुक्कू मारे कमर में पीठ पे, और एक लड़के का दांत दूत मारे हैं, एक के हाथ भी लगाए हैं। और ये है सैनिक कॉलोनी की पुलिया, नहीं सैनिक कॉलोनी की पुलिया, वहाँ पे हुआ कांड। कितने लोग थे? लोग ये थे 10-12 लोग थे भाई साहब, और ये 2 जने थे बस। आपसे रंजिश थी पहले कोई? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं है। ये पता नहीं कैसे क्या है, एकदम मारे चले गए बेचारे। वहीं बल्लभगढ़ में भी होली की खुमारी में शराब के नशे में 2 भाइयों ने एक युवक को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। तो वहीं अगर पलवल की बात करें तो हथीन के रिंडका गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतारा और यहाँ पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। एक और ये त्योहार पारस्परिक मेल और सद्भावना बढ़ाने का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नशे की लिप्त में आकर लोग इन पवित्र त्योहारों को खौफनाक दिन के रूप में तब्दील कर देते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर नशे पर रोक कब लग पाएगी? रंगों की होली क्यों हर बार किसी परिवार के लिए खून और मातम की होली बन जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो देखा आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे इस बार होली का जो पावन त्योहार है वो नशे की चपेट में आ गया, नशे की जद में आ गया। कई ऐसी वारदातें हो गई जिसके बाद सोचने पर हम सब मजबूर हो गए हैं कि हमारा समाज कहां पर जा रहा है। संवाददाता हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, हमने देखा कि अलग अलग जगहों से प्रदेश के खबरें आई हैं, काफी मारपीट होली को लेकर हुई, नशे को लेकर भी काफी सारी खबरें आई हैं। जरा फरीदाबाद बल्लभगढ़ की जानकारी दीजिए, वहां पर क्या वारदातें हुई हैं, क्या कुछ मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि फरीदाबाद और बल्लमगढ़ की बात करें तो काफी ज्यादा मामले आए हैं, क्योंकि नशे के धुत में जिस तरीके से जो लोग थे कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के तहत कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाली है। यहाँ पर पुलिस के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि दयालपुर में कल देर रात चाकूबाजी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हालांकि एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले ही जो पुलिस कमिश्नर है फरीदाबाद के, उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, प्रेस नोट जारी किया था कि कोई भी शरारती तत्व हो या फिर कोई भी लोग जो हुड़दंग जाते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बावजूद जिस तरीके से नशे में फरीदाबाद और बल्लमगढ़ में वारदातें बढ़ी हैं होली वाले दिन, काफी चिंताजनक है। और अलग अलग जो जिले हैं वहां से भी कहीं ना कहीं नशे को लेकर काफी ज्यादा जो लोग कहीं ना कहीं आपसी रंजिश के चलते या फिर लड़ाई झगड़े की जो खबरें सामने आ रही है, वाकई में चिंताजनक है। जी पूजा, इसके अलावा एक और मामला राजा हमने सुना, जहां पर परिवार ही परिवार के हत्यारा बन गया है, यहां पर रिश्ते बदनाम होते दिखे हैं, यहां पर खूनी रिश्तों पर कैसे चाकू से हमला कर दिया गया, एक भतीजे ने चाचा पर हमला किया, वो जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए वाकई में पूजा, ये भी नशे के कारण ही हुआ है कि भतीजे ने अपने चाचा को ही कहीं ना कहीं चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो वाकई में जिस तरीके से नशे को लेकर, जिस तरीके से दारू पीने के बाद जिस तरीके से लोग अपना आपा खो देते हैं, कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को जिस तरीके से भूल जाते हैं, अपने परिवार को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं फरीदाबाद की बात करूं, बल्लमगढ़ की बात करूं, तो जिस तरीके से जो कल देर रात जो घटना हुई है वो भी कहीं ना कहीं पड़ोस में ही जो लोग थे, एक मामूली सी कहासुनी को लेकर चाकूबाजी हो गई, क्योंकि वो काफी ज्यादा नशे में थे, उनको ये होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर पर नशे के चक्कर में ही ये पूरी वारदातें होती हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया राजा आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगले हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे जरा पानीपत के बारे में जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, कल होली का त्योहार था, होली के त्योहार में पानीपत में तो मानो अपराधों की बौछारें हो गई, 108 बताया जा रहा केस आ चुके हैं अभी तक लड़ाई झगड़े के, मारपीट के, क्या कुछ हुआ कल पानीपत में? पूजा, जिस तरीके के कल हालात थे, आप मैं बता दूं आपको कि होली के नाम पर जो है कुछ नवयुवक जो है, हर जगह देख लीजिए आप, वहां पर जो है हुड़दंगबाजी हुई है, मोटरसाइकिल ले लेके बाकायदा पटाखे बजाते हुए, और किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं था। और ये जो 108 का आंकड़ा है, ये रात 8 बजे का आंकड़ा है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल से अलग है, जहां प्राइवेट कुछ लोग ऐसे भी थे जो उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 150 से 200 के करीब पहुंचा है, जिसके अंदर इंजर्ड जो है 70 से 80 इंजर्ड है, और ये सरकारी हॉस्पिटल के आंकड़े, जिसमें दो जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, और एक की अभी सूचना मिल रही है कि उसको रेफर किया गया था और वो भी एक्सपायर हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के ये आंकड़े आए हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आप देखिए पिछली बार के जो आंकड़े हैं उनसे बिल्कुल डबल आंकड़े हैं, और जबकि पुलिस प्रशासन का यहां तक कहना था कि अगर इस तरीके का हुड़दंग होता है तो कहीं ना कहीं हम उन पर कंट्रोल करेंगे, उनको रोकेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, अगर इतनी ज्यादा आपराधिक घटनाएं कल एक ही दिन में हो गई है, इसकी वजह क्या है, क्यों हुड़दंगबाजों पर नकेल नहीं लगा पाए पुलिस प्रशासन? क्योंकि हुड़दंगबाजों पर कैसे नकेल लगनी चाहिए, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए, ये पुलिस पहले से ही कर लेती है। पहले से इसको लेकर हम देखते हैं कि कोई भी फेस्टिव सीजन होता है तो पुलिस के कर्मी भी वहां पर, संख्या भी बढ़ा दी जाती है, और पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर रहती है। फिर पानीपत में ऐसा कल क्या हुआ कि पुलिस भी फेल नजर आ रही है इनके आगे? देखिए बिल्कुल बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए चाहे संभाल का हो, बापोली हो, इसराना हो, और सिटी की बात करें, कहीं पर भी जो है पुलिस का जो है सही इंतजाम नहीं था। जहां तक गांव की बात करें, गांवों की छुटपुट घटनाएं, लेकिन शहरों के अंदर बिल्कुल नेशनल हाईवे के अंदर कई जगह इस तरीके के झगड़े हुए हैं, अगर पुलिस प्रशासन की गश्त होती या वो चाहते तो इस तरीके के मामले नहीं आते और ना ही इंजर्ड होते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर रहा है जिस तरीके की ये इस घटनाएं बढ़ी है। और
सबसे बड़ी बात जो है इनको रोकने की अपेक्षा जो है ये मामले जो है क्योंकि हुड़दंगबाजी के अंदर कुछ शरारती तत्व जो है शराब पीकर बाकायदा फप्तियां किसते हैं जिसको लेकर एक दूसरे की पार्टी बन जाती है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि आपस में पीने के बाद जो है झगड़े हुए हैं। तो ये चीजें इस तरीके की हैं जिनपे कंट्रोल किया जा सकता था। फिलहाल जो है आंकड़े जो है अब भी बढ़ रहे हैं। हमें ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है जिनका जहां जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आए। तो पूजा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अपराधों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो फेलियर होते हैं तो इसी वजह से ये आंकड़े बढ़ते हैं और इसी वजह से ये आंकड़े जो है बढ़ते दिखाई जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने कल कैसे नशे के चक्कर में होली को बेरंग करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कौन हुड़दंगबाज हैं जिन्होंने इस अच्छे खासे त्योहार पर इस तरीके की बदतमीजी की है, इन पर नकेल कैसे और कब कसी जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज की खास पेशकश में हम बात कर रहे थे कि कैसे कल होली के त्योहार पर हुड़दंगबाजियों का कहर देखने को मिला। बहुत हुड़दंग की खबरें आई जहां पर रिश्तों को तार तार किया गया, कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, कई ऐसी कल वारदातें हुई जिसने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए हैं कि इतनी सख्ती के बावजूद भी अगर इतनी घटनाएं हो जाती हैं, अगर इतना अपराध हो जाता है, अगर ऐसे हुड़दंगबाज खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे इतनी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं तो उसके पीछे आखिरकार किसको फेल बताया जाए, क्या पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया या फिर ये हुड़दंगबाज किसी की मानने वाले नहीं है। हमने अलग अलग जगह से आपको खबरें बताई। पानीपत में हमने देखा कि इतनी ज्यादा कल घटनाएं हुई कि जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला गया। पहले कहा जा रहा था कि 108 केस आए हैं लेकिन अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 के लगभग केस आ चुके हैं। इसके अलावा बल्लभगढ़ में भी कल हमने देखा कैसे शराब के नशे में दो भाइयों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो वहीं पलवल की बात करें तो वहां भी हतीन में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए होली का त्योहार जो कि रंगों का त्योहार है, प्यार का स्नेह का त्योहार है, यहां पर लोगों ने कल अपनी पुरानी रंजिश, पुराने लड़ाई झगड़े ज्यादा किए। की घटनाएं है पलवल से संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत सिंह, कल हमने देखा पलवल में भी कई घटनाएं हुई हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पुलिस ने किया है? जी यहाँ पर देखें तो वैसे तो होली के त्योहार को आप भाईचारे और उसका पुराने किले से किले दूर करने का त्योहार माना जाता है। लेकिन यहाँ होली के अंदर जो हम काम है एक जब पुरानी रंजित जो चली आ रही थी उसको लेकर के जब सतीश नामक एक युवा व्यक्ति जो 35 वर्ष व्यक्ति है वो अपने घर से वहाँ बैठा हुआ था, तभी जो जिनकी रंजित उनसे चली हुई थी उन लोगों ने वहाँ एकत्रित होकर उनके साथ गाली करना शुरू कर दी। और जब वो घर से बाहर निकला तो उस पर चाकुओं से गंभीर रूप से उन्होंने घायल कर दिया। उन्हें बचाने के लिए आए उनकी पत्नी और पिता पर भी उन्होंने चाकुओं से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल किया जिसमें सतीश की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने मामले में सब व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ठीक है, ये भी जरा बता दीजिए भगत सिंह, क्या पुराना मामला बताया जा रहा है, दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश चल रही थी? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके जो दूसरा गिरिराज और दूसरे उनके पर जो उनके जो पड़ोसी जो उनके थे उनके गिरिराज की परिवार की और उनकी दूसरे परिवार के साथ पुरानी रंजिश थी उसी को लेकर कल उन्होंने होली का जब दोपहर बाद करीब 4-5 बजे के बीच में उन्होंने जब वो घर पर बैठे हुए थे तभी उन्होंने वहाँ उनके घर जाकर अवैध व्यवहार किया और जब वो घर से उन्हें रोकने के लिए बाहर निकले तभी सतीश पर उन्होंने चाकुओं से गंभीर रूप से हमला किया और इसी में उसकी जो लगातार उस पर कई चाकुओं से मारे और उनकी पत्नी और उनके पिता को भी चाकुओं से मारकर हमला किया जिसमें वो दोनों भी घायल हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भगत सिंह तेवतिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों से जो खबरें आई हैं उससे एक बात तो साफ है कि लोगों में किसी बात का कोई डर भय नहीं है।
बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बड़ी बड़ी वारदातों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। मानो उन्हें कोई डर कोई खतरा है नहीं कि पुलिस जब उन पर कार्रवाई करेगी तो उसका अंजाम क्या होगा। ये अलग अलग मामले देखने को मिले, पानीपत से हमने देखा, बल्लभगढ़ से, पलवल से, इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर कल होली का त्योहार, जो कि अच्छा रंगों का त्योहार है, पारस्परिक मेलजोल का, सद्भावना का त्योहार है, कैसे नशे के लिप्त में आकर इन लोगों ने इस पवित्र त्योहार को कितना खौफनाक बना दिया। और साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे थे कि नशे पर रोक कब और कैसे लगेगी, ताकि इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो रुक पाए। चलिए फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।